नमस्कार, मेरा नाम मोहित गुप्ता है। आपका हमारे YouTube चैनल MG टेक्निकल में स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी नई वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहित गुप्ता है और आज आपको बताए इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप वी लुकअप के साथ काउंट फंक्शन का यूज कैसे करें। तो हम इसमें वी लुकअप के साथ काउंट फंक्शन का यूज करना बताते हैं। तो देखिए, इसे हमने एक्सेल पे शीट बनाई हुई है, इसमें दिया है नाम, दिया है गोडाउन, दिया है 4 मंथ, दिया है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मतलब 4 मंथ दिए सिर्फ। इसका मुझे वी लुकअप के थ्रू मुझे काउंट करना है, कितने मैंने वी लुकअप में काउंट करना है, मतलब कि हमने मोहन को कितने काउंट किया मैंने की। तो इसके लिए मैं फंक्शन यूज करता हूँ पहले वी लुकअप का। तो वी लुकअप का फंक्शन आपको पता ही होगा कैसे लगाया जाता है। वी लुकअप फंक्शन लगाने के लिए कॉल करेंगे वी लुकअप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद पूछा है लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू में मोहन डाल दिया, मोहन सेलेक्ट कर लिया मैंने इसको, कॉमा। इसके बाद टेबल एरे पूछा है, मतलब मुझे कहाँ से डाटा निकालना है, तो मुझे इस टेबल से डाटा निकालना है। ओके, इसके बाद कॉलम, फिर पूछे इंडेक्स नंबर, तो इंडेक्स नंबर मुझे काउंट करना है, इसे ये दिया 1 2, तो मुझे 3 से 3 से काउंट करना है, 3 4 5 6 ऐसे काउंट करना है। तो इसमें लगाना है आपको एरे, एरे के लिए आप ये अलग जो ब्रैकेट होता है, ये एरे का सिंबल होता है, इसको लगा दिया हमने। कॉलम आपका 3 4 5 6, ये आपके 6 कॉलम हो गए। ठीक, एरे क्लोज कर देंगे एंड कॉमा, ट्रू फॉल्स मैक्स कराना है या मतलब ट्रू करना है या फॉल्स करना है, मतलब कि आपको मैच ही कराना है एग्जिट, तो मैच कराने के लिए आप फॉल्स सेलेक्ट करेंगे, फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो देखिए आपकी वैल्यू आ गई है, लेकिन ये वैल्यू आपकी मतलब सिर्फ जनवरी के ही शो कर रहा है, टोटल काउंट नहीं किया है। तो टोटल काउंट करने के लिए आप इसको जो आपने फंक्शन जहाँ फंक्शन लगा इस पर आप डबल क्लिक या F2 से आप ओपन कर सकते हैं इस फंक्शन को दोबारा। तो आप यहाँ स्टार्टिंग में जाएंगे, इक्वल के बाद आपको लगाना है इसमें काउंट, ब्रैकेट ओपन कर लेना है और लास्ट में जाके एक ब्रैकेट क्लोज कर लेना है। तो इसका रिजल्ट शो करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो जैसे आप कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। देखिए, आपके 4 कॉलम दिखाने लगा है, मतलब कि आपका ये कॉलम को काउंट कर दिया इसने। तो इस तरह हम वे लुकअप के साथ काउंट फंक्शन का यूज कर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें मेरी नोटिफिकेशन पाने के लिए। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट और शेयर करें।